हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार और प्रो ट्रेडिंग अकेडमी की मनी ग्रो एजुकेशनल वीडियो सीरीज में आप सभी को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो स्टॉक का एनालिसिस करेंगे, इसका नाम है पीएसपी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। मेरा ही टेलीग्राम चैनल का एक सब्सक्राइबर है कुश जी, उसने मुझे रिक्वेस्ट किया था इस स्टॉक का एनालिसिस करने के लिए, और उसी के बेसिस पे मैं इस स्टॉक का आज एनालिसिस कर रहा हूँ। अगर आप भी मुझे कोई स्टॉक का एनालिसिस रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे डिस्कशन बोर्ड पे अपना जो रिक्वेस्ट है वो डाल सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पे दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, चलिए और देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं पीएसपी प्रोजेक्ट्स शेयर प्राइस एनालिसिस। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कृपया इस डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बात है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट जो है ये एक बहुत ही रिस्की बिजनेस है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात किए बिना कोई भी पैसा स्टॉक मार्केट में मत लगाइए, क्योंकि आप जो भी पैसा लगाएंगे उसका रिटर्न का कोई गारंटी स्टॉक मार्केट में नहीं होता है। तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से पहले आप जरूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल प्लानर से एक बार कंसल्ट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं पीएसपी प्रोजेक्ट लिमिटेड का टेक्निकल चार्ट में, और मैंने यहाँ पे डेली चार्ट लिया है। लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हो, कोई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले या कोई भी पोजीशन क्रिएट करने से पहले मैं उस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस जरूर कर लेता हूँ। तो आज भी वही करूंगा और उसके लिए हम लोग जाएंगे screener.in पे। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं screener.in पे और हम लोगों के सामने जो है पीएसपी प्रोजेक्ट लिमिटेड का फंडामेंटल्स पेज खुला हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले जो चीज मैं देखता हूँ वो है बुक वैल्यू। आप बुक वैल्यू देखेंगे तो वो है 126.98, मतलब 127 रुपीस के आसपास, और जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 406.55 चल रहा है। मतलब आप अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन करेंगे तो आपको दिखेगा जो करंट मार्केट प्राइस है वो बुक वैल्यू के लगभग 3.7x पे ट्रेड हो रहा है। मतलब 3.7x के आसपास प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है, जो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका जो मार्केट कैप है इससे हम लोगों को पता चलता है कि ये एक स्मॉल कंपनी है, मतलब स्मॉल कैप कंपनी है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी के लिए 3.7x का जो प्रीमियम होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। ये अगर बिलो 3 रहता तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होता। लेकिन दोस्तों, कोई बात नहीं, 3.7x उतना भी ज्यादा नहीं है, तो इसका प्राइस अभी भी अट्रैक्टिव रेंज पे ही है। लेकिन वो टेक्निकली हम लोग बाद में देखेंगे कि इसका जो एंट्री कहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज हम लोग देख लेते हैं कि इसका फंडामेंटल्स। तो दोस्तों, यहाँ पे आरओसी अगर देखेंगे तो आरओसी है 40.67%, जो 15 से काफी ऊपर है। इसका मतलब है कि आरओसी जो है बहुत ही हेल्दी है, मैं बोलूंगा ये डबल पॉजिटिव है। आरओई देखेंगे ये भी 30 के ऊपर है, 31.20%, मतलब 15 से तो डेफिनेटली ऊपर है, उसका दो गुना है, तो ये भी डबल पॉजिटिव मैं इसको दूंगा। और सेल्स ग्रोथ दोस्तों, लास्ट 3 साल का जो है वो 55% का ग्रोथ इसमें दिखा जा रहा है। मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी में बहुत ही अच्छा ग्रोथ से ये कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, ये भी 15 से काफी ऊपर है। तो फ्रेंड्स, जो बेसिक फंडामेंटल है इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि ये जो कंपनी है इसमें एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए दोनों की तरफ फायदा देने का एक पोटेंशियल इसमें हो सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए जाते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे और एक शॉर्ट टर्म एनालिसिस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं पीएसपी प्रोजेक्ट्स का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। आप अगर 2017 से देखना चालू करेंगे तो आपको दिखेगा कि इस कंपनी का जो सेल्स है लगातार अच्छा खासा बढ़ रहा है। ये तो हम लोगों ने वैसे भी बेसिक फंडामेंटल्स में भी देख लिया है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा खासा इंक्रीमेंट पे है। टीटीएम को आप छोड़ दीजिए, मार्च का जो लास्ट रिजल्ट है उसके तरफ ही देखिए। टीटीएम वैसे भी कम होने वाला है थोड़ा सा, क्योंकि पैंडेमिक के लिए इस साल तो वैसे भी काम जो है वो ठप पड़ा हुआ था 6 महीने के लिए। तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीमेंट पे है, और नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा खासा इंक्रीमेंट पे है। तो फ्रेंड्स, इससे हम लोगों को पता चल रहा है कि जो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म एनालिसिस में ये स्टॉक बहुत ही स्ट्रांग है। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसको तो इन्वेस्टमेंट की तरह सोच रहे हैं, तो एक बार देख लेते हैं कि इसका बैलेंस शीट हम लोगों को क्या बताता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं पीएसपी प्रोजेक्ट लिमिटेड का बैलेंस शीट में। यहाँ पे अगर आप कैश रिजर्व देखेंगे तो देखिए कैश रिजर्व जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीमेंट पे है, बहुत ही अच्छा इंक्रीमेंट हो रहा है।
और बोरोइंग्स अगर देखेंगे तो बोरोइंग्स अब देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा सा, मतलब बहुत ही कम बोरोइंग्स हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बोरोइंग ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख देख पा रहे हो बोरोइंग्स मात्र 22 करोड़ था, फिर यहाँ पे 26 करोड़ के आसपास था, इस साल थोड़ा बढ़ गया है, 75 करोड़ हो गया है। लेकिन दोस्तों जो कैश रिजर्व है, कैश रिजर्व के सामने ये जो बोरोइंग्स है बहुत ही छोटा है। तो फ्रेंड्स हम लोग इस बोरोइंग को इग्नोर कर सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों फिक्स्ड एसेट अगर आप देखेंगे तो फिक्स्ड एसेट भी आप देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीमेंट भी हो रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। तो फ्रेंड्स जो पता चल रहा है हम लोगों को बैलेंस शीट देख के, ये जो कंपनी है पीएसपी प्रोजेक्ट्स, इसका बैलेंस शीट भी हम लोगों को एक स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रहा है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करने का क्षमता रखता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको और एक चीज दिखाना चाहता हूँ, जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी आपको कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग चीज मैं दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं पीएसपी प्रोजेक्ट के शेयर होल्डिंग पैटर्न में। आप अगर यहाँ पे देखेंगे ये शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप देखना चालू कीजिए लास्ट जितना सारा क्वार्टर है, मतलब मैं अगर 2018 या 19 से भी देखना चालू करूंगा तो आपको दिखेगा जो प्रोमोटर्स है, आप देखिए प्रोमोटर्स होल्डिंग यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज हो रहा है। मतलब दोस्तों जो प्रोमोटर्स है वो मार्केट से थोड़ा थोड़ा करके जो शेयर है वो वापस खरीद रहा है। ये दोस्तों एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि कोई भी कंपनी का प्रोमोटर्स अगर शेयर अपने हाथ में ले रहा है, इसका मतलब आने वाले टाइम में उसको ये दिख रहा है कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करने वाला है और इससे अच्छा प्रॉफिट आने वाला है। दूसरा चीज दोस्तों एफआईआई का तो उतना यहाँ पे महत्व तो नहीं है, क्योंकि इसमें होल्डिंग बहुत कम है और होल्डिंग कम होना भी चाहिए, क्योंकि ये जो है एक स्मॉल कैप कंपनी है और स्मॉल कैप कंपनी में एफआईआई ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करता है। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप डीआईआई को देखेंगे तो आपको दिखेगा डीआईआई यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके अपना होल्डिंग कम कर रहा था और भी कम किया, लेकिन लास्ट जो क्वार्टर है इसमें अपना होल्डिंग बढ़ा लिया है। दोस्तों इसका मतलब डीआईआई का जो इंटरेस्ट है वो भी कुछ ना कुछ इस कंपनी की तरफ आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। और इसी टाइम पे देखिए पब्लिक होल्डिंग जो है, पब्लिक होल्डिंग आप देखेंगे तो पब्लिक होल्डिंग ज्यादा था मार्च में, वो जून के क्वार्टर में पब्लिक होल्डिंग में गिरावट दर्ज किया गया। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कोई कंपनी में अगर पब्लिक होल्डिंग कम हो जाता है और उसके जगह पे प्रोमोटर और डीआईआई एफआईआई ये सब अगर उसके जो होल्डिंग है वो बढ़ाता है, इसका मतलब आने वाले टाइम में उस कंपनी में वो लोग कुछ ना कुछ तो दिख रहा है जिसके लिए वो लोग शेयर को बाई बैक कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है कि इसमें पब्लिक होल्डिंग का कम हो रहा है और प्रोमोटर्स और डीआईआई अपना होल्डिंग को इंक्रीज कर रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए अभी हम लोग जाएंगे इसके टेक्निकल चार्ट में और टेक्निकल चार्ट में समझने का कोशिश करेंगे कि अगर पीएसपी प्रोजेक्ट लिमिटेड पे हम लोग को कोई पोजीशन बनाना है तो कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए जाते हैं पीएसपी प्रोजेक्ट लिमिटेड का टेक्निकल चार्ट में। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं पीएसपी प्रोजेक्ट लिमिटेड के टेक्निकल चार्ट में और मैंने यहाँ पे डेली चार्ट लिया है और इसी डेली चार्ट के बेसिस पे हम लोग पीएसपी प्रोजेक्ट शेयर प्राइस एनालिसिस करेंगे। और अगर मैं यहाँ पे सभी लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको ये चार्ट कुछ ऐसा दिख सकता है और इसको मैं पूरा का पूरा आपको समझाऊंगा कि हम लोग यहाँ पे क्या करने का सोच रहे हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स इस चैनल में मैं जो भी वीडियो पोस्ट करता हूँ वो मेरा पर्सनल एनालिसिस है और मैं पूरा का पूरा एडुकेशनल पर्पस ही यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। तो आप कभी भी ये सब लेवल के बेसिस पे आंख बंद करके ट्रेड ना करें, आप इसके ऊपर आपका खुद का भी एनालिसिस लगाएं, आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे भी बात करें और उसके बाद ही डिसीजन लें कि आपको ट्रेड करना है या नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों कोई भी इंसान 100% एक्यूरेट नहीं होता है, मेरा कोई भी एनालिसिस कभी भी कहीं भी गलत साबित हो सकता है। मैं भी एक इंसान हूँ तो मैं भी 100% एक्यूरेट तो नहीं हो सकता हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्राइस जैसे मैंने दिखाया करंट मार्केट प्राइस 406.55 चल रहा है जो यहाँ पे है और जो प्राइस का प्रीमियम है वो 3.7x के आसपास जा रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है तो अगर इसका प्राइस 3x प्रीमियम के नीचे होता है तो वो सबसे अच्छा होता है हम लोगों के लिए। और उसी के बेसिस पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे एक डिमांड जोन को आइडेंटिफाई किए हैं। वैसे ये दिखने में आपको एक सप्लाई जोन लगेगा लेकिन प्राइस अभी इस सप्लाई जोन के ऊपर है
और ऊपर जाने के बाद इसने दो तीन स्विंग हाई बना चुका है। तो उसी हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये जो सप्लाई जोन पहले था ये अभी एक डिमांड जोन में कन्वर्ट हो चुका है, और इसलिए मैंने इसको लिख दिया है कि डिमांड जोन। और दोस्तों यहाँ पे कोई भी एक्चुअल मतलब एग्जैक्ट बाइंग पॉइंट बाइंग लाइन नहीं रहेगा। ये जोन का जो ऊपर का पार्ट है 371 है और नीचे का पार्ट जो है वो 345 है। जब प्राइस यहाँ से नीचे आके, और आप ये मत सोचिए कि प्राइस यहाँ से ही ऊपर चला जाएगा कुछ होगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। प्राइस जब जाता है थोड़ा ऊपर जाता है थोड़ा नीचे आता है, थोड़ा ऊपर जाता है थोड़ा नीचे आता है, ऐसा ही जाता है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये फिर से ये जो डिमांड जोन है इसको एक बार ना एक बार टेस्ट करने आएगा। जब ये इसको टेस्ट करने आएगा तब हम लोग इस डिमांड जोन के अंदर से इसको बाई करने का कोशिश करेंगे। मतलब हम लोग का जो बाइंग प्राइस होगा वो 345 से लेके 371 के बीच में होगा। और दोस्तों प्राइस अगर और भी नीचे आ जाता है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन है। इस सपोर्ट लाइन पे हम लोग अपना एवरेजिंग करेंगे जिसका वैल्यू है 305 मतलब 305 रुपीज। तो फ्रेंड्स हम लोग का पोजीशन कहाँ पे बन रहा है? पोजीशन बन रहा है डिमांड जोन पे, मतलब 371 से लेकर 345 के बीच में। प्राइस अगर और भी नीचे आ जाता है तो हम लोग सपोर्ट लाइन 305 पे अपना पोजीशन को एवरेजिंग करेंगे। तो इसलिए दोस्तों जब हम लोग डिमांड जोन पे अपना पोजीशन क्रिएट करेंगे उस टाइम पे हम लोग फुल क्वांटिटी से बाई नहीं करेंगे। हम लोग का रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से जो भी क्वांटिटी बनता है उसका 50 या 60% ही हम लोग डिमांड जोन पे बाई करेंगे, और उसके बाद अगर प्राइस नीचे आता है तो बाकी का जो पोजीशन है वो एवरेजिंग लेवल पे 305 पे हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। और दोस्तों अनफॉर्चुनेटली प्राइस अगर और भी नीचे आ जाता है तो हम लोग का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 250 रुपीज के नीचे रहेगा। वैसे तो दोस्तों हम लोग इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो इसमें कोई स्टॉप लॉस तो होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी 250 रुपीज जो है एक हिस्टोरिकल लेवल है। जो 2017 के बाद से इस कंपनी का जो रन शुरू हुआ था ये उसका एक हिस्टोरिकल लेवल है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 250 रुपीज के नीचे प्राइस जाना नहीं चाहिए। तो उसी हिसाब से दोस्तों 250 रुपीज के नीचे हम लोग का स्टॉप लॉस होगा। मतलब अगर प्राइस डेली कैंडल के बेसिस पे 250 रुपीज के नीचे क्लोज हो जाता है और उसका भी लो ब्रेक हो जाता है तभी हम लोगों का स्टॉप लॉस होगा। 250 रुपीज को टच करने से ही हम लोगों का स्टॉप लॉस नहीं होगा। और दोस्तों इसके बाद अगर डिमांड जोन के बाद या एवरेजिंग के बाद हम लोगों का ट्रेड जो है वो अच्छा चलता है तो हम लोग 490 रुपीज के आसपास हम लोगों का पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, क्योंकि दोस्तों इस स्टॉक को हम लोग इन्वेस्टमेंट के तरह ले रहे हैं तो इसमें वैसे कोई टारगेट में फिक्स नहीं करना चाहता हूं। 490 रुपीज के आसपास आके अगर हम लोगों को यहाँ पर कोई रिवर्सल पैटर्न दिखता है या कुछ भी होता है तो 490 रुपीज के आसपास हम लोग इसका पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों जो स्टॉप लॉस का वैल्यू है वो हम लोग डिमांड जोन के ऊपर, मतलब हम लोग का जो एवरेजिंग प्राइस होगा या डिमांड जोन के ऊपर जहां पे हम लोग खरीदे हैं उसके ऊपर लाके रख देंगे, और बाकी का जितना क्वांटिटी रहेगा वो हम लोग इन्वेस्टमेंट के तरह 6-7 साल के लिए छोड़ देंगे। और जब प्राइस इन्वेस्टमेंट जोन पे रहेगा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका जो फंडामेंटल्स है उसको बीच बीच में रिव्यू करते रहेंगे। जितना दिन इसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रहेगा या 5-7 साल तक अगर हम लोगों का जो प्राइस है अच्छा खासा ऊपर चला गया तो हम लोग इसको बुक करके निकल सकते हैं, नहीं तो अगर कभी इसका फंडामेंटल्स में हम लोगों को गिरावट नजर में आया तो हम लोग तभी भी बुक करके निकल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को यूट्यूब में जरूर लाइक करें और सोशल मीडिया टाइमलाइन मतलब फेसबुक ट्विटर ये सब जगह पे शेयर करें। और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो रेगुलर बेसिस पे पाने के लिए हम लोग का जो यूट्यूब चैनल है इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स अगर आपको लाइव मार्केट में कोई गाइडेंस चाहिए या आपको कोई स्टॉक एनालिसिस मुझे रिक्वेस्ट करना है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पे डिस्कशन बोर्ड पे आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एडुकेशनल वीडियो पे।